आज हम लोग नीट और JEE के फिजिक्स के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग जो सॉल्यूशन है उसको मैं स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेट में आते हैं। तो फर्स्ट सेट में क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट इज़ टी। इफ द लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन g/3 द टाइम पीरियड विल बी। यहाँ हिंदी में भी समझते हैं इसको, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लोग के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो यदि स्थिर लिफ्ट में एक सरल लोलक का आवर्तकाल t है और लिफ्ट जो है g/3 त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो त्वरित होने पर इसका आवर्तकाल होगा। तो बेसिक्स में अगर जाएं तो बेसिक्स ये हैं कि जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाता है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे जी की वैल्यू स्टेशनरी जब लिफ्ट था वहाँ पर जी थी, तो ऊपर जाएगा तो ये g/3 ऐड हो जाएगा, मतलब g+g/3 इसमें हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास g+g/3 ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड होने पर जो वैल्यू हमको मिलेगी, वो हो जाएगी 3g+g, मतलब 4g/3। और जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, सरल जो लोलक का आवर्तकाल जो होता है, उसमें और जी में जो रिलेशन होता है वो होता है t=1/√g। अब यहाँ पर जी की वैल्यू 4g/3 हो गई। तो अगर मैं नया जो वैल्यू है वो अगर मैं t- लेता हूँ, तो t- जो होगा मेरे लिए 1/√, फिर से मैं एक बार बता दूँ, मेरा टी जो है यहाँ पर, जो मेरा टी है स्टेशनरी पे 1/√g होगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दोनों ऐड होकर ये हो जाएगा 4g/3 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो जी जी अगर कैंसिल करूँ तो यहाँ पर ये √3/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो √3/2 टाइम्स हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें इसमें ऑप्शन होगा जो करेक्ट वो है आपका 2। तो इसको मार्क कर ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, तो ये कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप। तापमान बढ़ने पर ऑर्गन पाइप की आवृत्ति होगी। अब ऑर्गन पाइप की जो आवृत्ति है वो उसका जो रिलेशन हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेग जो है बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, मतलब 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा, इंक्रीजेस। ये भी क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो इसमें हमको ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर है वो वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो ये एक रैंडम क्वेश्चन है और सभी टॉपिक का मिला जुला के क्वेश्चन है। हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे टू सिंपल पेंडुलम, फिर से पेंडुलम का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो सिंपल पेंडुलम है जिसका जिसमें लेंथ जो है 1 मीटर एंड 16 मीटर है, और ये दोनों का जो है, इन दोनों को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। दे विल अगेन बी इन फेस आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम। मतलब ये बोल रहा है कि इनको हम लोग कितने दोलन के पश्चात ये वापस अपनी समान कला में आ जाएंगे। तो समान कला में जब आएंगे तो समान जो एक मेनी, मतलब यहाँ पर जब फेस जब सेम हो जाएगा, तो फेस सेम होगा तो उनके फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 1। मतलब n1 अगर पहले का है और n2 दूसरे का फ्रिक्वेंसी है, दोनों को 1 होना पड़ेगा। 1 होने पर हम इसको बोलेंगे कि ये सेम फेस में है। अब इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है
वो भी हम देखें इस क्वेश्चन में, तो n का जो वैल्यू है वो n की जो वैल्यू है n का रिलेशन है l के हिसाब से रूट ओवर l। तो इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और इसके यूज़ करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है n1 और n2, तो यहाँ पर क्या बोला है, 1:1 मीटर और 16। तो एक का तो 1 हो गया, दूसरे का कितना हो गया 16 का रूट। मतलब मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लियर करूँ, यहाँ पर आपका n1 जो है वो 1 हो गया और n2 जो है वो 1/√16 हो गया, जिसका मतलब हो गया ये 1/4। तो यहाँ पर मैं अगर n1/n2 करता हूँ तो 1/1/4 आएगा, दैट मीन्स 4 आएगा। तो ये n1/n2 की वैल्यू है। अगर ये पॉइंट अगर आपका नोट हो गया तो इसमें आप समझ सकते हैं कि मैं अगर n1/n2 जो 4 है इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँ, दोनों साइड -1 कर दूँ। यहाँ तक ये पार्ट आपको क्लियर है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, n1/n2 -1 किया और उधर 4 -1 भी किया। तो यहाँ पर ये n1 -n2/n2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि सेम फेस में होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1/n2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका n2 का जो वैल्यू है, तो n2 की जो वैल्यू है, n2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/3। अगर ये 1/3 n2 की वैल्यू निकल गई तो वहाँ से n1 निकल जाएगा। तो n1 कितना हो जाएगा, 1+1/3, दैट मीन्स 4/3। तो ये n1 और n2 की दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल जाती है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, थर्ड क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पर जो n1 की जो वैल्यू है वो हमको निकालनी थी, तो n1 आपका कितना आया, 4/3। तो मतलब सेकंड ऑप्शन है आपका इसमें सही होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला का ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। और इसमें मैंने दो कंडीशन बताया कि n1 - n2 जो है वो 1 होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, ये याद रखने वाली बात है। ये तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी। अब हम लोग पहुंचते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर एक कार दिया हुआ है, जिस यहाँ बोल रहा है कि द ड्राइवर ऑफ कार नोटिस दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉर्न चेंजेस फ्रॉम 400 Hz टू 450 Hz बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, फाइंड द कार स्पीड। यहाँ पे एक ड्राइवर ये नोटिस कर रहा है कि हॉर्न जो है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है 400 Hz से 450 Hz, तो हमको कार की स्पीड निकालनी है। तो ये जो है बहुत क्लियर केस है डॉपलर इफेक्ट का। तो डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है, उस फॉर्मूले में हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। फॉर्मूला जो है वो n' = n, और यहाँ पर हम लोग v+u/v-u, यहाँ पे कार मूविंग है और ये आपका वॉल है जो स्टेशनरी है। तो ये मतलब जो कंडीशन है डॉपलर इफेक्ट में कि जब सोर्स जो है मूविंग है और जो ऑब्जर्वर है तो उस कंडीशन में वो स्टेशनरी है, जिससे टकरा रहा है वो स्टेशनरी है। तो वो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर मैं जो 450 और 400, एन डैश के जगह 450 और एन के जगह 400, मुझे यू निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, कार का जो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है। और यहाँ पर जो गिवन है स्पीड ऑफ साउंड जो गिवन है, जिसमें वी की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद, यू इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मेरा बी ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इस पॉइंट को नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पांचवे क्वेश्चन में। द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति करते हुए कण की अधिकतम वेग जो है
वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है और अधिकतम त्वरण जो है वो आपका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए जो फार्मूला है हम लोग जो SHM में यूज़ करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वो होता है ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है वो आपका 1.57 दिया हुआ है और यहाँ पर एक जो है मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा जो है वो आपका गिवन है 1। तो यहाँ पर देखो आप ए ओमेगा इनटू ओमेगा इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास 1.57 है और ए ओमेगा की वैल्यू 1 है तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा 1.57। तो ओमेगा जैसे 1.57 निकला तो हम जानते हैं कि जो मुझे क्या निकालना है, इसमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो 2π/ओमेगा है। तो यहाँ पर 2π/1.57 अगर यहाँ रखता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सेकेंड। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हमने सॉल्व किया जैसे किया उसमें कोई डाउट होता पूछते जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें यह बोल रहा है कि अगर व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, द क्वांटिटी हुज चेंज कॉजेस डॉपलर इफेक्ट। तो कौन सा कंडीशन है जो डॉपलर इफेक्ट जो है उत्पन्न करता है वो हमको देखना है। यहाँ पे सोर्स जो है जो मूविंग है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, चार ऑप्शन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेवलेंथ, बोथ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि इसमें से कोई नहीं। तो हमको इसमें ये याद रखना है कि जब भी वेवलेंथ चेंज होगा तो यहाँ पर वेवलेंथ जो चेंज होगा तब हमको डॉपलर इफेक्ट मिलेगा। कब? जब सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तो बी पॉइंट को मार्क कर लेंगे यहाँ पे, सेकंड पॉइंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो के है वो के ज़ीरो कॉस ओमेगा स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दिया हुआ है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है इसमें, सेवेंथ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा दी हुई है, के इज इक्वल्स टू के ज़ीरो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और आपको स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा ये जो काइनेटिक एनर्जी में के ज़ीरो जो है वो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इस केस में के नॉट होगा, ये अधिकतम वैल्यू को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एट्थ क्वेश्चन में यहाँ पे लेंथ दिया है 1.5, दोनों पुली में सेम जो है वो वेट लगा हुआ है, और ये एक कंडीशन, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी कंडीशंस आपको मिलेंगी, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ब्यूटी ये है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला कहीं पे आपको मिस हो सकता है। ये फार्मूला आपका 1/L और ये mgL/x होता है। तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है 1.5 फिक्स है, G की वैल्यू 9.8 फिक्स है, और मास जो है हम दोनों में से एक लेंगे, वन वहाँ पे 9 kg का वेट दिया हुआ है, और इसके अलावा जो है आपका लेंथ फिर से आ गया है यहाँ पे, तो वो आपका 1.5 होगा, और जो इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर, जो वेट सॉरी ये यहाँ पर ये जो है ये पुली यहाँ पर जो पुली का जो वायर है उसका लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो x की जगह पर ये जो वैल्यू गिवन है वो 12 ग्राम वो आएगी। तो 12 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 10⁻³। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पर रख के आपको वैल्यू पुटअप करनी है, तो आपको आठवें का जो आंसर जो मिलेगा
आठवें का आंसर मिलेगा 70 हर्ट्स करीब मिलेगी, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं, तो नाइन्थ क्वेश्चन का बहुत सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो हमेशा टॉर्क होता है, बलागुण होता है, तो चौथा पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और टेंथ क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, एक विमाहीन राशि, उसमें से क्या होगा, नेवर हैज़ ए यूनिट, ऑलवेज हैज़ ए यूनिट, मे हैव अ यूनिट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। इकाई हो नहीं होती है, हमेशा इकाई होती है, इकाई हो सकती है, ऐसी राशि विद्यमान नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा है, जैसे हम देखते हैं कि विमाहीन राशि है तो विमाहीन राशि डायमेंशनलेस क्वांटिटी में यूनिट नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं जिनका यूनिट होता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड होगा, मे हैव अ यूनिट, मतलब इकाई हो सकती है। इसका एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हैं जिसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है और उसको हम लोग किसी और मेथड से हम निकाल सकते हैं। इलेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो इलेवंथ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि मास ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वस्तु का जड़त्व आगुण निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर, वस्तु के घूर्णन अक्ष पर, वस्तु के कोणीय वेग पर। ये क्वेश्चन में जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू, हम जब लिखते हैं तो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, तो एम आर स्क्वायर मास तो आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, है ना, तो एक तरीके से आपके पास आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि हमको जो है यहाँ पर जो शुरू के तीन क्वांटिटी है, मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई है, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, वो होगा 1, 2 और 3, मतलब ये भी और ये भी, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो गया। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर ML-1 T-2, ये किसको शो करेगा, ट्वेल्थ क्वेश्चन किसको शो करेगा। अब हमको जब हम लोग वर्क ये जो डायमेंशन फार्मूला है ये हम पढ़ते हैं समझते हैं, तो ये वर्क डन को भी शो करता है और प्रेशर को भी शो करता है, बल द्वारा किया गया कार्य और दाब दोनों को शो करता है, और यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको आप चेक करोगे तो ML-1 T-2 जो है ये फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ 2 और 3 जो है दोनों को, दोनों जो है ये शो करेगा, मतलब इसमें डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और थर्टीन क्वेश्चन में आते हैं, अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है 5 × 10⁻³, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, RPS मतलब फ्रिक्वेंसी गिवन है, और ये 10 सेकेंड का टाइम गिवन है, ये इन डेटा के साथ हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फ़ा, तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण होता है, तो कोणीय त्वरण जो है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ω2 - ω1, तो पहले जो है वो जो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से चल रहा था, अब वो वैल्यू लास्ट में जाके 0 हो गई, और टाइम जो है वो आपका 10 गिवन है, और आई आपका 5 × 10³⁻³ है, और यहाँ पर 2π न्यू की वैल्यू, मैं ν₂ - ν₁ रख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू है, और यहाँ पर 10, ये वैल्यू को मैं रख के यहाँ पर इसको 0 रखूँगा और इसको 20 रखूँगा, इसको रख के मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 10⁻²⁰
2 आएगी, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही होगा कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। तो ये 13 तक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो 14 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे टू हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं जिसका जो रेडियस है वो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग सिंपल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, सांतत्य का समीकरण है, जिसमें A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, और सर्कुलर पाइप के लिए R1 स्क्वायर, और यहाँ पर आपका V1 वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर और V2 वैसे का वैसे ही है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे R के टर्म्स में V1 और V2 निकल जाएगा। तो V1 बाई V2 जो है वो R2 बाई R1 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास अगर V1 या V2 जो भी वैल्यू नोन है, तो जो मेरी वैल्यू नोन है उसकी वैल्यू फर्स्ट पाइप का जो है वो वैल्यू नोन है, तो उसको यहाँ पुटअप कर दूंगा। तो मेरे पास जो V2 जो होगा, तो V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर × 8 हो जाएगा, क्योंकि V1 की वैल्यू 8 है। और इसके बाद मैं बर्नौली का थ्योरम यूज़ करूँगा। तो बर्नौली के थ्योरम में अगर P2 निकाल रहा हूँ, मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ P2, तो ये होगा P1 प्लस 1/2 रो। मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके एक तरफ ला के V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूँगा, और यहाँ पर रो मुझे गिवन है वह वैल्यू पुटअप करते जाऊँगा, और यहाँ से मेरा P की जो वैल्यू निकलेगी वो 1.3 × 10⁵ ये वैल्यू निकलेगी, और V2 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। वैसे तो एक पैरामीटर निकलने के बाद ही आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि आपका 2 वैल्यू निकल चुका है, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली सही होता है, उसको सेकंड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर 15th क्वेश्चन देखें, अ सॉलिड सिलेंडर स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम अ हाइट एच ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट सम इंस्टेंट टी द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये स्टैंडर्ड है 1/3। इसको डायरेक्ट आप इसको दिमाग में रख लेंगे कि इसकी वैल्यू 1:3 होती है, कि आपका लुढ़कना प्रारंभ करता है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होता है, रेशियो ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो स्टैंडर्ड 1:3 होता है। इसको इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर 16th क्वेश्चन में यहाँ पर स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन अ विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद अ वेलोसिटी वी, रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल। मतलब यहाँ बोल रहा है कि ये जो मंदन जो कार्य कर रहा है, मंदक श्यान बल जो कार्य कर रहा है, विस्कस फोर्स जो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ का डायरेक्ट यूज़ है। स्टोक्स लॉ के हिसाब से आपका जो विस्कस फोर्स जो होता है 6π ईटा A और V, मतलब यहाँ पर ईटा के प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस जिसको बोलते हैं रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, तो आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी, बी सेकंड ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, और बाकी ऑप्शन को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है और एक को जो है वो प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, तो उसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टोक का ये जो लॉ है वो याद रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 17th क्वेश्चन में द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो उसका कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा। कोणीय त्वरण आप जानते हैं कि अगर कोणीय चाल अगर कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो स्पीड सब जगह कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वही एक्सेलरेशन होता है। तो
तो कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमको ज़ीरो मिलेगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको यहाँ पर वैल्यू जो है वो ज़ीरो मिलेगा। अब ये 18 नंबर का क्वेश्चन और 18 और 19, ये इसके लिए मैं एक ही हिंट दूंगा। आप सोप बबल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव 39 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, हैज़ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। द वर्क डन ऑन डबलिंग इट्स रेडियस, मतलब इसके रेडियस को डबल करने के लिए जो वर्क डन होगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो वर्क का जो फार्मूला होता है उसको मैं नोट करवा दूँ, और इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट अप करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये होगा 2T 4πr2² -4πr1² तो r2 और r1 ये वैल्यूज हमको गिवन है, पाई की वैल्यू हमको मालूम है, टी की वैल्यू हमको मालूम है, और ये जो वैल्यू यहाँ पर रखने पर निकलता है वो 88 करीब मिलती है। तो 88 किसके करस्पॉन्डिंग हो गया आपका, ये करीब करीब आपका इसको पूरा सॉल्व करने पे हमको 88 नहीं इसको पूरा सॉल्व करने पर हमको ये मिलता है 2261 जो अर्घ है, डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ये करीब मिलेगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे CGS में ही सॉल्व कर रहा है, तो 1 जूल जो है 10^7 जो है अर्घ होता है, और यहाँ पे खैर हमने डाइन से ही स्टार्ट किया है और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं दिया होता तो हमको यहाँ पर सब कुछ जो है SI यूनिट में चेंज करना पड़ता है। 19th क्वेश्चन ये आप खुद से करेंगे, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। 20th क्वेश्चन में ये आपका स्टील वायर का जो आपके वैल्यू है यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है उसको आपको पता होना चाहिए। अ स्टील वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm² डेफिनेटली मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इज हीटेड अप टू 50°C एंड इज स्ट्रेच्ड बाय क्लैंपिंग इट्स टू एंड रिजिडली। द चेंज इन टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स 50° टू 30° इज गिवन बाय, मतलब 2 mm² अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के एक स्टील को 50° तक गर्म किए और दोनों सिरों से खींचे, और जब ताप जो है 50 से 30 में आ जाएगा तब उसमें जो टेंशन है वो उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। अब ये आपका फिर से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर F इज इक्वल्स टू जो होता है यंग मॉडुलस Y, आपके पास रेडियस इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है रेडियस से निकल जाएगा, और उसके साथ में आपका अल्फ़ा, और अल्फ़ा के साथ में आ जाएगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये डिग्री सेल्सियस में ही होगा। तो वाई की जो वैल्यू है 2 × 10^11 इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, नहीं भी दिया है तो आप प्लीज़ इसको याद रखिए। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, इसके अलावा वाई और अल्फ़ा के बाद ए जो है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है, और डेल्टा थीटा 50 से 30 मतलब कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 20 का, तो यहाँ पर 20। ये पूरा सॉल्व करने पर जो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो हैगी 88 करीब आएगी। तो 88 जो न्यूटन है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो आज हमने फर्स्ट जो है एक प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इफ़ेक्टिव होगा, और ये 20 क्वेश्चन को आज टारगेट कीजिए कि इस 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जो भी डाउट होगा मुझसे क्लियर कर लेंगे। और अभी मैं लगातार कोशिश करूँगा कि आपको डेली 20 क्वेश्चन का टारगेट दूँ, लेकिन जितना संभव हो पाएगा उतना करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे जो मेथड्स हैं और अच्छे हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी इतने क्वेश्चन आप करें, थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा मैं, और तब तक कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आप बना लें। थैंक यू वेरी मच।